अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास बीफ निहारी। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आपके सामने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए बीफ, बड़ा गोश्त, ये देख लीजिए इस तरह का हो, जो कीमे के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक कप के बराबर आप ले लें। देन हमारे पास एक कप के बराबर ऑयल आ जाता है, कुकिंग ऑयल। मसालों में हम देख रहे हैं हमारे पास है निहारी मसाला 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी और 1 चुटकी के बराबर हमारे पास है अदरक का पाउडर। देन हमारे पास खुश्क धनिया है जो हम मैंने पीस लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गरम मसाले में हमारे पास है ज़ीरा 1 टेबलस्पून, एक हमारे पास आ जाता है दालचीनी का पेस्ट, 2 हमारे पास करी पत्ते और चंद दाने हमारे पास काली मिर्च के हैं। फिर हमारे पास है एक मीडियम सा प्याज जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे बघार के लिए। लेमन है हमारे पास सर्विंग के लिए हम यूज़ करेंगे और गार्निश के लिए। साथ ही हमारे पास है अदरक का एक पीस जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, हरी मिर्च गार्निश के लिए और साथ ही एक लाल मिर्च है जो हम बघार में यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है आटा 1 कप के बराबर गंदम का आटा, इसको हम यूज़ करेंगे। पानी है हमारे पास जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करनी है, स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और उसमें जाएगा ऑयल, आधा ऑयल हमने इसमें डाल दिया। देन हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको गोल्डन कीजिए। तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं ये लाइट लाइट गोल्डन हो चुका है, तो हम इसमें अपना मीट ऐड करते हैं। तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कुछ मिनट फ्राई करने के बाद, पकाने के बाद इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे कुछ, तो चलिए इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर और साथ ही निहारी मसाला और नमक भी हम ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर और कुछ मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाला पक जाए। देन हम इसको पानी डाल के प्रेशर पर रख देंगे। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट मैंने इसको और पकाया है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। एक जग पानी मैंने आपके सामने इसमें ऐड किया और अब मैं मज़ीद डाल रही हूँ क्योंकि वो मुझे कम लग रहा था। हम इसको प्रेशर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, 45 से 50 मिनट के लिए। तो ये पानी इतना होना चाहिए कि जले ना और अच्छे से गल जाए। तो मैं इसमें 2 जग पानी ऐड कर चुकी हूँ, अब मैं इसको प्रेशर पर रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं ढक्कन लगा दिया मैंने इस पर, अब मैं इसको प्रेशर पर रख चुकी हूँ। इसको हल्की आंच पे हमने, दरमियानी आंच पे हमने इसको प्रेशर पे रखना है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और पानी भी ना खुश्क हो। और हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तकरीबन 50 मिनट हमने इसको रखना है, 45 से 50 मिनट, और हम चेक कर लेंगे। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मज़ीद भी रख सकते हैं, क्योंकि निहारी के लिए गोश्त हमारे पास सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो चलें वेट करते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है और गोश्त बड़े अच्छे से गला है। ऐसा होना चाहिए कि हम हाथ से इसको ऐसे तोड़ें तो ये इजीली अलग हो जाए, इतना गला हुआ गोश्त हमें चाहिए निहारी के लिए। तो अब देखते हैं आगे हमें आगे क्या करना है। इसको हम अब चूल्हे से उतार के साइड पर रख लेंगे और हम आगे इसके लिए तैयार करेंगे आटा जो कि हमने छान के रखा था गंदम का। तो चलिए देखते हैं। तो व्यूवर्स, जो हमने आटा लिया था उसको हम भून लेंगे
एक कप के बराबर हम यहाँ यूज़ करेंगे आटा। ये हमारे पास एक कप के बराबर आटा मैंने ले लिया। अभी हम इसको हल्की आंच पे भून रहे हैं। इसको हिलाते चुलाते रहिए ताकि ये जले ना। तो व्यूवर्स अभी अब देखें, जो मैंने आटे का और पानी का मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा और भी कर रही हूँ और इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख रही हूँ। ये हल्की आंच पे पकता रहेगा कुछ देर तक। साथ ही मैं इसमें जो हमारे बाकी स्पाइसेस थे, जैसे कि हमारे पास खुश्क धनिया थी, वो ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ जो हमने गरम मसाले में दिया था उसमें से एक करी पत्ता, दालचीनी का पीस और साथ ही आधा ज़ीरा और आधी काली मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी। आधी मैं बघार के लिए रख रही हूँ और एक करी पत्ता भी साथ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको हल्की आंच पे कुछ देर के लिए पकने दें। इस पर ढक्कन रख दीजिए और हल्की आंच पे ये पक जाएगा कुछ देर के लिए। अब आप देख सकते हैं कि कैसी कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें। मुझे ज़्यादा थिक निहारी नहीं पसंद, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाऊंगी और साथ में मैं इसका बघार तैयार करूंगी। तो व्यूवर्स, अब हमने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे बाकी बचा हुआ ऑयल और हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज हमने लिया था उसको हमने चॉप कर लिया है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें ज़ीरा, बचा हुआ ज़ीरा और करी पत्ता भी डाल देंगे। साथ ही दो तीन काली मिर्च के दाने भी हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन होने देंगे। देन हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनमें हल्दी डाल देंगे और थोड़ी देर पका के कुछ सेकंड्स के लिए इसको उतार लेंगे। कुछ प्याज हम गार्निश के लिए अलग-अलग से रख देंगे, बाकी हम अपनी निहारी पे डाल देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। इसमें मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जो मैंने रख ली थी पहले। अभी ये गोल्डन होने लगा है, देखें थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है। बस ये थोड़ी देर में हो जाएगा तो मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और चंद सेकंड के लिए पका के इसको उतार दूंगी। देन मैं इसको निहारी पे डाल दूंगी और कुछ प्याज में गार्निश के लिए अलग कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है, ये तैयार हो गया है। ये हम इसको चूल्हे से उतार देंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं निहारी हमारे पास। अब हम इसके ऊपर ये डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये अब तैयार हो चुकी है, बस अब गार्निश के स्टेप्स ले रहते हैं। तो व्यूअर्स, ये है हमारी निहारी की फाइनल लुक। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।